जिसकी रोजी जाती है, जिसकी रोटी जाती है, उनका जीवन किस तरीके से कटता है ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन आला अधिकारी और इस शासन प्रशासन के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी आंखें आज भी चुप हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या कारण है कि अगर यही लोग इनके परिवार के लोग होते तो इनका मानना क्या था? हमारे बीच में एक और हैं जो युवा, जो बिल्कुल ही बहुत बीमारी से त्रस्त हैं और ये एक इलाज करती थी और आज 26 दिन के अंदर इनकी हालत आप देख रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि मैडम आपका नाम? मेरा नाम हनी है। हनी, आप यहाँ क्यों इस तरीके से बैठी हैं? आप तो बीमार नज़र आ रही हैं। जी एक्चुअली हमारी इस जंग में हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि 36 लोगों को टर्मिनेट किया गया है विदाउट एनी नोटिफिकेशन। तो जो हमारे नोटिस में नहीं था उस चीज़ के लिए हमें लड़ना था, हम लड़ रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम हंगर स्ट्राइक के लिए भी रेडी है, मगर हमारी सरकार और हमारी प्रशासन अब ध्यान नहीं दे रही, तो हमें अपना तबीयत को साइड में रख के हुए हमें आना पड़ रहा है। 4 दिन से मैं बीमार हूँ, मगर ऐसी एक नौबत आ रही है कि मुझे अपना हेल्थ को साइड में रख के आना है और मुझे ये जंग में साथ देना है, क्योंकि जब तक हमें जीत नहीं मिलेगी हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। एंड ये अब बात आ गई है पेट पे और अपने जॉब पे, एंड जॉब के बिना सर्वाइवल इज लिटरली डिफ़िकल्ट। सो दैट्स वाई वी आर फाइटिंग एंड वी विल स्टिल ऑन स्ट्राइक एंड लेट्स सी कि डायरेक्टर और गवर्नमेंट हमें कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। आई होप उन्हें कुछ अच्छी तरह, जैसे भैया ने बोला है कि अच्छी बुद्धि दे, सदबुद्धि दे कि हमारे तरफ वो देखे, क्योंकि वो बैठे हैं अपने गद्दी में, हमने बिठाया उन्हें, तो हमने बिठाया है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए वो करे। अगर वो करने के लिए नकार रहे हैं तो ये बहुत बहुत गलत बात है। तो इसके लिए तो हम कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे, हमने अभी तक हद पार नहीं की है। हिना ने दुख से बताया कि जो कुछ जो यहाँ लेडीज ऐसी हैं कि जो प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंट अवस्था के अंदर डॉक्टर इलाज करते हैं, उन्हें भरपूर आहार देने की बात करते हैं, आराम करने की बात करते हैं, तो आज इस हॉस्पिटल के अंदर ऐसी विडंबना क्या आ गई कि इन लोगों को रोज़गार देने से जो डायरेक्टर हैं या प्रशासन महिलाएं, आई हम इनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम? प्रतिमा। प्रतिमा, हाँ जी। प्रतिमा जी, आप यहाँ इस तरीके से माउस अवस्था में क्यों बैठी हो? क्या कारण है आपका यहाँ बैठने का? सर, हमारे साथ काम करने वाले को 36 कैंडिडेट को इन्होंने विदाउट एनी पे नोटिस इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। मैं ड्यूटी पे आए हैं, मॉर्निंग ड्यूटी पे आए हैं, तो कह रहे हैं कि आप लोगों को साइन नहीं करने हैं। जो DNS वगैरह है वो हमें अंदर ऑफिस में नहीं घुसने दे रहे थे कि तुम्हें अंदर नहीं जाना है, तुम्हें टर्मिनेट कर दिया, तो तुम्हारी जॉब चली गई, तुम्हें अंदर नहीं जाना है, साइन नहीं करने। सर, हमारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया जा रहा है। हटाओ, यहाँ पे क्यों बैठने दिया जा रहा है? सर, हमें आके बार बार बोला जा रहा है तुम्हें कैंडल मार्च नहीं करना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। सर, हमें यहाँ पे बैठने के लिए भी बार बार हमें धमकियाँ मिल रही है कि तुम यहाँ से उठ जाओ नहीं तो हम तुम्हें उठा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं पड़ा है कि जब कोई चुपचाप यहाँ पे अगर धरना कर रहा है तो वो हमें कोई भी हमें वो धमकी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई अपना शांति से धरना कर रहा है तो वहाँ पे 144 लागू नहीं होती है। ये भी इनके ध्यान में नहीं है, मुझे ऐसे ही लगता है। दिल्ली का जो वातावरण है वो किस तरीके से चल रहा है, महिलाओं के फेवर में है या नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जो एजुकेटेड बंदे हैं वो ही लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो जो अनएजुकेटेड हैं जो सड़कों पे घूमते हैं हम उनसे क्या एक्सेप्ट करेंगे, जब हम यहाँ पे ही हम सेफ नहीं है, हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। लड़कियाँ होके अपना घर चला रही हैं, अपने भाइयों बहनों को, अपने मम्मी पापा को पाल रही हैं, सर उनकी नौकरियाँ छीन रही हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल पहले अंडर एज थे लेकिन अब वो ओवर एज हो गए हैं, उनको कहाँ से नौकरियाँ मिलेंगी? अब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि 30 साल के बाद तुम फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। अरे ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे एज ही 34 है, जो बच्चे अदर स्टेट से आके दिल्ली में जॉब लेते हैं जिनकी एज 34 है, कोर्स की 34 है कि आप इस प्रोफेशन में 34 ईयर तक आप एडमिशन ले सकते हो, वो लोग 30 ईयर के बाद कह रहे हैं कि तुम जॉब नहीं ले सकते हो। तो फिर उसमें भी कम करो या फिर एज बढ़ाओ, यहाँ पे कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए। जब तुम स्टडी के लिए तुम ओवर एज कर रहे हो 34, लेकिन जॉब के लिए तुम 30 एज कर रहे हो, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? और स्टडी का क्या मतलब बनता है जब पढ़े लिखे लोगों की के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है? तो जो कम पढ़े लिखे उनको तो नौकरी है ही नहीं है, फिर यहाँ पे नौकरी दे के हमें निकाला जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें कहाँ जाएं हम? फिर तो हमें ये है कि हम लोग सुसाइड ही कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम सुसाइड ही कर लेंगे, इसके बाद तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं वो कहाँ से नौकरियाँ लेंगे? कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना बच्चों के पास। 2 साल इनको दिए हैं हमने, 2 साल हो गए हैं, जब 2 साल तुम्हें रखना था, 2 साल के बाद निकालना था, तो पहले वैकेंसी ना निकालते, जब ज़रूरत थी तो ले लिया, अब कह रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं तो तुम जाओ, परमानेंट स्टाफ आ गया, हमें परमानेंट करो, हमारा इंटरनल तुम एग्ज़ाम ले सकते हो, हम पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े तो आए नहीं है ना, ऐसी पोस्ट पर कोई ऐसे थोड़ी ना बैठ जाएगा। हम केयर करते हैं, पेशेंट्स की केयर करते हैं, लेकिन हमारी केयर कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, कोई नहीं सुन रहा है हमारी बात,
हम ना सेफ हैं, हमारा ना फ्यूचर सेफ है, ना हमारी फैमिली सेफ है, ना हमारे बच्चे सेफ है, कोई भी सेफ नहीं है। एक ही ऑप्शन है, या तो सुसाइड करेंगे या हमें नौकरी दे दो। प्रतिमा की और सभी साथियों कितनी बड़ी विनम्रता है कि या तो हम सुसाइड करेंगे, इस तरीके के ये अब बोल नहीं है। और ये हकीकत बात है, जिसकी रोजी रोटी जाती है, जिनके बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं, पूरे दिन यहाँ आके बैठ कर चली जाती हैं और इनकी बातें नहीं सुन रही हैं। ये सरकार को मानना चाहिए, डायरेक्टर को मानना चाहिए। अभी बताया कि ITI के माध्यम से हमने ये सारा मालूम कर लिया है, किस हॉस्पिटल के अंदर कितनी जगह खाली हैं, उनके तहत हमें रखा जाए। आइए और जानकारी लेते हैं।